जी, अब बिना किसी तारीफ के मैं स्टेज और माइक अपने मेहमानों के सुपुर्द करता हूँ। अपने समय का बोनसाई आप इस प्रोग्राम से महसूस। समय की कहानी, तो मेरे ये वर्ष में नहीं आया समय की कहानी,
कैसे की जाती है, आदमी अपनी कहानी लिखना चाहता है, तो बाद में मुझे लगा कि अपनी कहानी अपने लिखे तो सब अच्छे में ना आए, फिर सभी कहानी लिखी तो आप उसमें आएंगे और आपके साथ बहुत सारे लोग आए। कोई किताब में मैंने जोशी जी पाया कि इसमें समय है, और जोशी जी ने लिखा कि समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा लंबा साथी आपका होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जोशी जी अपनी किताब के इससे आपको पढ़ के सुनाए ताकि तो लोगों को पता लगे इस किताब में समय है। सुपर टेक्नोलॉजी से निर्मित इस फिल्म में भी मनुष्य की समानता
अस्तित्व की कल्पना की गई थी, अर्थात हम सभी के अदृश्य प्रतिबिंब होते हैं जो कि चेतन अचेतन अवस्था में निरंतर हमारे साथ रहते हैं। शायद ये सच हो, पर इसकी सत्यता और प्रामाणिकता की मोहर वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं एक नहीं हूं, कई मैं से निर्मित मैं राम शरण जोशी हूं, अनेक अनेक मैं मुझ में समाये रहे हैं, कौन से रंग निजात का मैं मुझ पर हावी हुआ या हो जाए, इसकी भविष्यवाणी करना ज्योतिषी बनना होगा। किशोर श्रमिक के रूप में मैंने जीवन यात्रा शुरू की, फिर मैं एस्टर कलाकार बना, रामगिरी रामे सीता बना, न्यूज पेपर वॉकर रहा, चपरासी गिरी की पूर्णकालिक वामपंथी रहा और श्रमिक यूनियन से जुड़ा, शेष जीवन यात्रा में शामिल होते रहे नए नए मैं, संसदीय पत्रकारिता की, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों देश विदेश यात्राओं को कवर किया, युद्ध संवाददाता के रूप में बांग्लादेश की प्रसव पूजा को देखा, विंडू में नामीबिया के जन्म साक्षी बना, सामाजिक शोधकर्ता के नाते आदिवासी अंजनों और बंदर श्रमिकों की दुनिया को करीब से देखा, देश के दूर दराज इलाकों में बंदर मुक्ति श्रमिक शिविर लगाए, बंधक श्रमिक मुक्ति संगठन का संस्थापक महामंत्री रहा, एंड मेरे बाद जो जनरल सेक्रेटरी बने वो कैलाश सत्यार्थी बने, मैं फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी। राजनीतिक संबंधों ने मुझे राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यक्ष और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के पदों पर बैठाया और अंततः मैं का विस्तार मीडिया शिक्षक प्रशासक तक हुआ। इस लंबे सफर में पत्र विचलन हुए हैं, मैं विपसगामी भी बना। पिछले 7 दशकों में मंचित ये तमाम भूमिकाएं मेरे मैं के उपमैं उपमैं ही तो हैं, इन उपमैं के बीच समय समय पर टकराव भी होते रहे हैं, आज भी कश्मकश होती रहती है, क्रांतिकारी तो नहीं बना, क्यों औसत मैं बता चला गया, उपमैं के बीच मौजूद अंतर विरोध यानी कॉन्ट्रडिक्शन का सही समाधान करने में क्यों नाकाम रहा, मैं आज भी मध्य वर्ग की नियति का बंदी क्यों बना हुआ हूँ, जन्म से लेकर यहाँ तक मुझ में कुछ भी तो ग्रो नहीं हुआ, कहीं बोनसाई में मेरा कायरचरण तो नहीं हो गया, इतने प्रश्न इतनी आत्मशंकाएं मेरे मैं को दबोचे रहती है। फिल्म मैट्रिक्स के अंतिम पार्ट में सभी को माया चित्रित किया गया है, लेकिन मेरी इससे असहमति है, मैं और मेरे उप मैं में माया नहीं एक ठोस यथार्थ है, इर्द गिर्द का परिवेश भी कोई अपूर्व या दृढ़ प्रमाण नहीं है, सब कुछ हाजिर नाजिर है, भौतिक शक्तियों का प्रभाव मैं के ब्रह्मांड और उपमय के ब्रह्मांडों पर कम अधिक पड़ता रहता है, उनके आकार प्रकार दिशाएं निर्धारित होते रहते हैं, इसलिए मुझे स्वयं को एक भ्रम या एक माया के रूप में देखने से सब इनकार है, समस्त दृष्टि ठोस यथार्थ है, इसीलिए वे अनुपम विभूतियां हैं जिन्होंने आत्मस्थितियाँ इसकी सत्य के साथ निरंतर प्रयोग किए और आत्मदर्शन के अनूठे प्रमाण रचे, मैं न सत्य के साथ प्रयोग किया है और न ही असत्य के साथ, जीवन की चादर को क्यों की क्यों भी नहीं रखा है, यात्रा में ये मैली भी हुई, कर्म घाट पर इसकी धुलाई की, चीरी प्रति को सिलाई, लेकिन सत्य या असत्य के रंगरेज का रोल अदा करने से मैं बचता रहा हूँ, यही आत्मस्वीकृति है, मैं और उसके उप मैं की स्वयं की इस अटपति कथा में समय समाज जन और मैं बस।
एक जो बुनियादी इंफॉर्मेशन जानकारी किसी चीज के बारे में चाहिए थी कि सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचे, तो मैं एक बार फिर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि टाइटल दिया है जोशी जी ने मैं बोनसाई अपने समय हम तो जोशी जी को एक बट ब्रश मानते हैं बड़ा बड़ा जिसकी साया में बैठते हैं जिससे ऑक्सीजन उनको मिलता है, आपने जीवन बहुत तरीके से देखा है कहाँ से यात्रा शुरू हुई और कहाँ पहुँचे, तो जोशी जी बोलता है क्या सोच सकते हैं आपको क्या लगता है कि टाइटल सही है? बिल्कुल भी बहुत सही नहीं है, जो बहुत बड़ा आदमी होता है वो ये थोड़ी कहता है मैं मालिक हूँ मैं कला हूँ देखा हूँ, वो कहता है मैं तो आपका सेवक हूँ, प्रधानमंत्री भी कहता है कि चौकीदार हूँ भले ही सब कुछ लूट रहा हूँ माल लूट ले जा रहा है सब लूट रहा है लेकिन मैं तो चौकीदार हूँ सब सेवक हूँ, तो ये तो खैर की विनम्रता है मतलब, तो ये तो शालीनता वो कोई बहुत बड़ा ही आदमी ऐसी बात कह सकता है कि मैं पिछली मिट्टी का मिट्टी हूँ, जैसे कबीर ने कहा है कबीर कूटा राम का मुतिया मेरा नाम, किसी ने नहीं कहा ये, मतलब जो आलोचक है वो कबीर का मजाक उड़ाते हैं, उसको कितना घमंड है मैंने जैसी थी चलिया रख दी उसको मैंने धोया भी नहीं कुछ नहीं किया मेरी नहीं फटी सबकी फट गई घमंड है साहब, अरे भाई तो देख कुत्ता कह रहा है आप लोगों को कहता है कुत्ता, कबीर कूटा राम का मुतिया मेरा नाम मोती है फिर कितनी बड़ी बात है, तो ऐसे बहुत सारी जो अपने को मानता है इसका मतलब हिमालय है वो जो हिमालय पहाड़ है वो ये कभी नहीं कहेगा बच्चे चलोगे तो मर जाओगे, वो तो बुलाता है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी है और जैसा उन्होंने बताया है इनका जीवन समुद्र की तरह से समुद्र में जैसे अनंत जीव है वेल मछली है छोटी छोटी मछलियाँ उन्हें कितने कीड़े मकोड़े पूरी दुनिया है उस पर इन्होंने मतलब मेरा सिर घूम गया ऐसा कोई काम है नहीं उन्होंने ना किया हो, मतलब चपरासी गरीबी की एक साधु के साथ उसके चेले हो गए तो उसको अफीम के अगर कोयला खिलाते रहे, पेट्रोल पंप पे नौकरी की वहाँ पे बेईमानी चोरी करते रहे, जिन्हें क्या क्या किया पिटाई भी हुई ये सब हुआ नक्सलाइट भी हो गए क्रांतिकारी भी हो गए सरकार के खास रहे और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे लोगों के दोस्त हैं जिसने इतने काम किया, हमारा तो एक आयामी जीवन है एक डायमेंशन है उनके तो कितने डायमेंशन है कुछ समझ भी नहीं आता भाई सिर घूम गया। अच्छा मैं बताऊँ मैं क्यों मतलब मानता हूँ ऐसा था कि हम साथ ही पढ़ते थे हम लोग टीवी पर ही मुझको मैं अखबार में काम करता था जो हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है और हम लोग कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है दुनिया का, तो मैंने पूछा तुम भी दुनिया का क्यों करे हो, कहते बताओ रूस में क्या हिंदी का अखबार है इंग्लैंड में अमेरिका में इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है फिर लिखा जाता था दुनिया उसमें हम काम करते थे कमियों से चूर रहते थे। खैर तो ये जो थे उसके बावजूद पहली बार मुझे टीवी पर जो लेकर गया वो ये आदमी थे, मैंने क्योंकि हमारे दोस्त थे बराबर के मैं हर उम्र में से बड़ा था लेकिन बराबरी का एक तो टीवी में लेकर एक मोहन ढालिया का इंटरव्यू किया वहाँ पर कीर्ति जैन का इंटरव्यू किया और ये क्या क्या इन्होंने करवाया मेरा वहाँ कोई घुसने का वो नहीं था मतलब, उसके अलावा पता लगा ये तो एक क्रांतिकारी है हमने क्रांतिकारी संगठन बनाया, तो एक बार किसी को हटाना था तो मुझे अध्यक्ष बना दिया फिर अपना खास आदमी होना चाहिए जैसे अमित शाह है तो मुझे सरकार चलेगी अगर अध्यक्ष अमित शाह नहीं होगा तो सारा कोई मरवा लेगा स्पीकर भी अपनी पार्टी का हो, खैर उसको हटा दिया मतलब क्रांतिकारी करते लगे हालांकि हम जेल में ले गए इनका तो वारंट वारंट निकला हुआ था, खैर वो सब हो गया उसके बाद पता लगा ये तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुछ हो गए बड़ी ऊँची पोस्ट, तो जिन्हें कितने काम के कुछ मतलब हिसाब रखना बड़ा मुश्किल है तो इनको हम बार बार प्रणाम करते हैं भैया, इसमें सबसे बड़ी नजर पाते हैं कि इमरजेंसी लगी हुई थी सारे लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे, तो ये दिल्ली में आईएनएस बिल्डिंग है जहाँ सारे अखबारों के दफ्तर है वहाँ बाहर खड़े हुए थे तो इन्होंने कहा देखो यार अभी इमरजेंसी लग गई है पता नहीं कहाँ पकड़ना है क्या हो सारा कुछ भी मैंने यार बड़ा डर लग रहा है, तो इन्होंने मालूम क्या था चिंता नहीं करो, मैंने क्यों वो फिल्म का डायलॉग है ना मेरे पास तेरे पास क्या है मेरे पास कार है गाड़ी है सब कुछ है मकान है, उसने कहा मेरे पास माँ है शशि कपूर ने कहा, इन्होंने कहा हमारे पास रामशरण जोशी है तो बेटा जेल नहीं जा सकते सारा फंदे में फांसी के फंदे से निकाल जाएगा वो, तो इस तरह का कुछ है तो अनंत है हरी कथा अनंतता है, तो मतलब मैं वाकई समझ में नहीं आता किसी की समझ नहीं आता कैसे एक आदमी इतने काम कैसे कर सकते
जो बेकारी भी है, जो मतलब ऊंचे पद पर भी बैठा है, मंत्रियों के साथ भी है, हमारे साथ भी है, तो कौन सा ही अपने को कह रहा है तो महान का है। कहा गया है कि अगर आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे की संगत अपना लें, तो इस मामले में सुभाष शैली होकर सरदारा ऋषि मिले हैं और पड़ोसी भी हैं और इतना पढ़े लिखा आदमी का आसपास होना कई बार हमेशा लगता है कि बहुत, बल्कि पहली बार मुझे भाई भी ऋषि जी ने पता, तो ऋषि जी के दूसरे दोस्त हैं हमारे पकड़ रिश्ता यहाँ बैठे हैं, ऋषि जी ने क्या लिखा है पकड़ जी जी कि कोई भी आत्मकथा कारुक कॉपी नहीं होती जिंदगी, तो जब हम कार्टून रखते हैं तो कई पन्ने रखते हैं तो तीन चार कार्टून रखते हैं तो हर पन्ने की जो स्याही धुंधली धुंधली होती जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो जोशी का जीवन है बड़ी किताब पे कौन सा कार्टून दूसरा तीसरा कॉपी कौन से लिए? ये आपने जटिल कर दिया सवाल, और मैं एक बात जानता हूँ कि जो जीवनियाँ हैं मूर्त है उनका काम ये नहीं है कि वो आदमी अपने बारे में कह रहा है, वो जो अपने बारे में कह रहा है वो समाज जिसको समाज में रहता है उसके बहाने वो अपना कहता है, वो उस समाज को देखने की कोशिश करता है जिसमें उसको जिया है, जिसमें वो बड़ा है पैदा हुआ है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कर सकते तब तक आपका और सामान्य आदमी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और उस जीवनी का कोई मतलब नहीं, अगर एक जीवनी हो जो लगातार अपने बारे में बताता जा रहा हो और वो जो घट रहा है उसको समाज से ना जोड़ पाता है तो कोई बात नहीं। इनके और मेरे बीच अक्सर एक बात होती रहती है जिन्होंने दोनों ने कहा कि मेरा कहना इसलिए है ये था वो कि उन्होंने थोड़ा सा उसको वो किया है कि ये मानते हैं कि आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, मेरा ये कहना है कि एक उपन्यासकार को या जो फिक्शन राइटर है उसको आत्मकथा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लिखता है जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जिंदगी के जो उसने सीखा है उनको भी वो कहानी में उतारता बदलता है, वो बदलने के बहाने करता क्या है कि उन अनुभवों को वो उस तरह से इमोर्टलाइज करता है और उसके साथ जो समाज है उसको वो कैसे देखता है वो किस बात को बताता है, लेकिन जो आत्मकथा लिखता है उसका काम यह है वो उसकी थोड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से जो तथ्य वो देखता है उसके सामने आते हैं उनको वो अपनी जिंदगी के अनुभव के माध्यम से उन पर वो टिप्पणी करता है, उन पर वो कमेंट्री करता चलता है कि ये जिंदगी इस तरह से आप जब जो आत्मकथा जिस आदमी ने लिखी है उसके बहाने आप उस दौर का समाज और उस देश का जिस तरह का जिस तरह की उसकी संरचना है जिस तरह से उसका विकास हो रहा है उन सब बातों को देखने की कोशिश करता है। ठीक है, वो कि मेरे सवाल का ये हिस्सा जवाब नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा है कि किसी भी आदमी के लिए मूलतः वो कि अब हमारे जैसे उम्र में भी अभी किए उपन्यास अब आया है और ये मुझसे थोड़ा बड़े ही हैं जो आदमी ये कह रहा है और मैं भी ये मानता हूँ अंत जो भी हम जानते हैं जो भी हमने सीखा है मतलब कहते हैं उसको अगर कहें मैं एक आदमी को कोट करके कहूँ तो वो न्यूटन का कहना है, उसने कहा कि मैं तो मेरा ज्ञान जो है समुद्र के किनारे एक रेत के कण की तरह है, आप जितना इस दुनिया को देखते हैं जितना जानने की कोशिश करते हैं ये उतना ही और उसको जानने की कोशिश है, तो एक तरह से ये जो मॉडेस्टी है बोनसाई कहने की कि मुझे तो इस बात का स्वीकार करना है कि ज्ञान अनंत है और जो भी वो पढ़े उसके संदेश यही है कि उसको दुनिया को लगातार देखने की कोशिश करनी चाहिए, लगातार समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये ना माने कि जो जान चुका है वो काफी। समय को लिखना चाहिए, ये आपने जो लिखी थी ये समय के दबाव में या समय के उसमें लिखी आकर्षण में ये अपनी कहानी है? समय समाज तो यानी इसका मानना था कि कोई भी लेखक और कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा संवेदनशील है जागरूक है समाज से कटके नहीं रह सकता, समय से कटके नहीं रह सकता, तो जो भी वो कुछ लिखेगा यानी मान लीजिए आप कहानी कह रहे हैं आपने उपन्यास लिखा है आपने तो लिखा ही,
तो वो पात्र आप कहाँ से आते, उसको हम एक पात्र समाज से ही आते हैं, उसको ये अगर बातें तो उसको आप इंटरप्रेट करते हैं अपने ढंग से, लेकिन समाज से करके तो मैंने जो लिखा वो भी मैंने अपने आप सोचा कि आखिर मुझे जैसे पड़ाव से गुजरना पड़ा, ठीक है, तो परिचितों ने जो मुझसे कहा है तो सवाल है कि समय समय नहीं तो मुझे बनाया, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि सब मैंने समय समय को हका या परिस्थितियों पर मैंने हाँ मान लीजिए कि मैंने छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो, एक यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बना है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय की जो स्थितियाँ हैं हमको उस स्थितियों को समझना चाहिए, समय को समझना चाहिए। ऊंचाई की बात तो उनका जी ने उसको एक इंटरप्रेट किया या थिंकिंग किया, उसमें एक और डायमेंशन बोलना चाहूँगा, इसका कलर चाहूँगा, देखिए बहुत सारे एक जापानी फूल होता है हम सब जानते हैं, एक ड्राइंग रूम की या कमरे की एक शोभा होता है, ये आप जानते हैं, उसका ना आकार आगे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उसका ना आकार कभी बढ़ता है ना कम होता है, वो एक जगह है। अब मैंने इसको ये पॉलिटिकल मेटाफर है, बेसिक एक राजनीतिक रूप पर वो कैसे कि जिस मुद्दे पर मैं मैंने जन्म लिया उसकी नियति क्या है, हम लोग एक स्वप्न लेके चले थे मेरा स्वप्न कि हम इस समाज को बदल डालेंगे और जब उसको आप पढ़ेंगे तो एक वो संघर्ष देखेंगे कि मेरा संघर्ष नहीं पूरे समय का संघर्ष है, 47 से लेकर के और मैंने 2017 तक पूरा एक समय का संकट है कि हाई एक सपना हम लोगों ने देखा, एक ड्रीम देखा, एक और देखा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे, एक ऐसा समाज बना देंगे जहाँ कोई भूखा नहीं है, जहाँ किसी को इन तकलीफों से इन ऐसे से मयारों से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो एक तरह की इक्वालिटी। लेकिन मैं अब मैं अपने बारे में कि मैं क्या जो भी कुछ मैंने किया अपने लिए ही तो किया, यानी मैं एक बहुत सारे बन के रह गया इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को मैं बदल नहीं पाया या उन लोगों के साथ में खड़ा नहीं रह पाया कि जो सिस्टम को कहीं न कहीं किसी भी किसी तरीके से रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह एक नया सिस्टम बनना है। तो मैंने इसको एक बेसिकली एक पॉलिटिकल मेटाफर के रूप में यूज किया और इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी राजनीतिक आर्थिकी की पूरी किताब में आपको मिलेगी कि कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है तो उससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है, मुद्दे पर क्या असर पड़ता है, उससे पहले जब मिक्स्ड इकोनॉमी थी उससे क्या असर पड़ता है, जब हिंदुत्व आता है उससे क्या असर पड़ता है, तो ये अलग अलग डायमेंशन समय की मैंने इसके अंदर जब मैंने भक्ति जी को बताया कि अगर 55 मिनट हैं और आप कैसे से 15 मिनट आएंगे तो इनको बहुत झटका लगा, उन्होंने कहा मतलब एक घंटे का रट कर आया। तो मैं रवि से पूछता हूँ कि किताब को आप जैसे बैठ के आए हैं आपको सबसे दिलचस्प और सबसे अहम हिस्सा कौन सा लगा? ऐसा है कि इसमें सामाजिक चीज़ें तो है, राजनीतिक भी है, मतलब सब क्या नहीं है जो कुछ है, लेकिन मैंने इसको एक कवि की तरह से पढ़ा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कवि की तरह से मतलब साहित्य भी है और गजब का साहित्य, मतलब ये केवल एक पत्रकार की या एक सामाजिक एक्टिविस्ट की या एक भूतपूर्व क्रांतिकारी की आत्मकथा नहीं है, ये एक लिटरेरी वो है। और आप ये देखिए जैसे मैं जो ना इसमें बताता हूँ कि रामचंद्र शर्मा ने कहा था जो हिंदी पढ़े हुए कि अच्छे कवि की पहचान क्या है, अगर कवि को मारने के स्तरों की पहचान है, अगर वो समझता है कि मतलब उसको ये पहचान के ये चीज़ पाठक को हिला देगी, हमारा मतलब जिनको छूलेगी तो वो बड़ा कवि, जो ये बात नहीं समझता वो नहीं है, जैसे कृष्णदास वो नहीं समझते उनको मालूमता नहीं है अब उन्हें, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर जो है वो सब मानवता है। अब ये व्यक्तिगत बातें मुझे बताना पड़ेगा जो उन्होंने पढ़ी तो उनको तो ऐसा था किसी विदेशी युवती से उनको प्रेम हो गया, उसका नाम एन था,
तो एन हो गया लेकिन वो एक हो गया लेकिन शादी नहीं हो सकती थी, मतलब जो अपने हमारे भारतीय संस्कार कि विदेश में कैसे रहेंगे क्या होगा ये उसको था इंडियन जो भी था खैर एक तरह का जो शुरू शुरू होता ना बहुत आकर्षण है लेकिन स्थायी प्रेम हो मतलब शादी वादी हुई तो मतलब शादी नहीं हो पाई। उनकी शादी कहीं और हो मधु नाम की लड़की से हो गई शादी। हाँ अनेक वर्षों बाद वो एन वापस आए दो दिन उठ के कमरे में रहते थे ये ऊपर छत के ऊपर वो बरसात भी होती है वहाँ एक कमरा बस तो वो एन आए तो उसको अब देखिए पत्नी बाहर बैठी बाहर है वहाँ पर पत्नी वहाँ मौजूद है वो चाय नाश्ता बना रही है और एक पूर्व प्रेमिका जो कि शादी करना चाहती थी ये भी करना चाहते थे अब ये क्या स्थिति होगी ये सिनेमा का दर्शन नहीं तो ये पहचाना ये कोई और नहीं लिखेगा वो छोड़ जाएगा पॉलिटिकल होगा इसकी जिंदगी नहीं करेगा और अगर एक्टिविस्ट हुआ क्रांतिकारी हुआ कहते मेरी बदनामी हो जाएगी इस यानी ये लिटरेचर है ये उपन्यास का विषय कविता का विषय है। तो तीनों आए तो एन जो अपना दर्द छिपाती है और दोनों रो रही है ये देखिए वो हाई टाइम यानी पत्नी भी रो रही है प्रेम का भी अर्थात दोनों का एक हो गया यानी ये बहुत पुराना हुआ है मतलब पता नहीं उसमें सच्चा कि नहीं। राजा सबको पता है प्रेमिका थी कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई तो एक बार राजा मिलने गई वहाँ पर द्वारका रुक्मणी से मिलने गई अब सोचिए लड़ाई होगी ये हुआ शौक होगी कुछ नहीं हुआ दोनों गले से लिपटी और रोने लगी उस टाइम का मुझे एकदम याद आ गया पूरा मतलब हमारे जो एपिक है क्लैसिक है तो ये बात मतलब बहुत बेहद संवेदनशील प्रसंग है। लेखक की बुद्धि राजनीतिक कार्यकर्ता की नहीं है पर कवि और कलाकार का हृदय मतलब बुद्धि तो पॉलिटिकल है लेकिन हृदय उसके पास कोई का है। अंतर तम का घनघोर तमुल कोलाहल है इसका मतलब अब्दुल बिस्मिल्लाह बताएंगे तमुल कोलाहल जय श्री प्रसाद की नायक है मैं इसका मतलब नहीं बता सकता इसीलिए को नायक नहीं समझा ना। अच्छा एक है सुखदा मतलब जो उसका नाम कुछ और था उससे इनका प्रेम हुआ उससे भी शादी नहीं हुआ यहाँ शादी क्यों नहीं हुई आप बोलिए फटे हाल है ना आपकी माँ है ना पिता है कोई है ही नहीं आप क्रांतिकारी हैं घर भी कोई नहीं है बैंक में बैलेंस नहीं है पीएन हर्षद की लड़की से प्रेम हो गया कल्याण जय किससे भी क्योंकि वो प्रभावित होते लोग आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं सोशलिस्ट हैं आपके आर्टिकल छपते हैं धड़ाधड़ आप है ना तो प्रभावित होते हैं वो भी शादी करना चाहती है लेकिन होता क्या है माता पिता कहते हैं बैंक बैलेंस इनले वहाँ तो बैंक में अकाउंट ही नहीं निर्णय जन कहते ना कुछ भी नहीं है और कोई स्टेटस नहीं है तो साफ कह दिया जाता है आपसे शादी नहीं हो सकती वो तो कैरियर से करेगी किसी प्रोफेसर हो वकील हो पैसे वाला आदमी हो ना तो ये बड़े दुखी हैं तो उस तरह की लड़की सुधा जिससे इनका तो सुधा ये फिर एन जो विदेश से आई और मधु तीन स्त्रियाँ इन तीनों के बीच नायक का अंतर्द्वंद्व क्लैसिक है तो उसकी क्या हालत है मतलब हेमलेट जब है शेक्सपियर का उस तरह की हालत है मतलब ये मेरी माँ है लेकिन इसने मेरे पिता की हत्या की है तो मुझे बदला लेना है चाचा से बदला लेना है मतलब समझ में लेना माँ को मार दे अपनी सगी माँ को चाचा को मार दे मतलब इतना भयानक तो ये मतलब एक बहुत अच्छा उपन्यास का विषय है ना अगर शेक्सपियर होता इनके जीवन अगर मैं होता तो ना लिख देता नाटक करता भी उसका नाम रामचरण जोशी होता तो खैर इस तरह का है कथा तो ये सब है मतलब क्या किया जाए बोलने वाले होते हैं सुनाते हैं कुछ हाँ क्या पूछा आपके पास तो ये बात है नहीं मैं आपको कहते हूँ कि जो जिक्र किया प्रेम प्रसंग का तो जोशी जी ने आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे विश्वासघात नाम से आर्टिकल का हंस वो पूरा एक लंबा आर्टिकल दो पुस्तकों में छपा था वो इनके जीवन के प्रेम संबंधों पर था वो बहुत ही बोल्ड आर्टिकल था और हैरान थी बात पर कि इसकी दो यंग लड़कियां हैं घर में बीवी आत और हैं लेकिन जोशी जी ने लिखा और जोशी जी को उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी क्योंकि हिंदी समाज उसके लिए तैयार नहीं था ये बाल भवन के चेयरमैन थे और तत्कालीन जो मिस्टर साहब ने बुला के कहा अर्जुन सिंह ने कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा लेकिन हमारा समाज के लिए तैयार है वो एक बच्चों की संस्था है और आप ये सब लिख रहे हैं लेकिन जोशी जी ने उसको ग्रस्त लिया कि कोई बात नहीं
और उसपे कोई पछतावा नहीं किया, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, और उसमें हम लोग खूबी थी अपनी रजीव साहब खड़े थे कभी और अभी। तो मैं पंकज जी से पूछा कि पंकज जी अब जो चीज़ें किया गया इस किताब में उन सब चीज़ों को थोड़ा सा माइक कर फैन कर दिया, तो आपकी तब पे क्या रिएक्शन था, आप क्या? देखिए मैं प्रेम प्रेम का कोई बहुत एडमायरर नहीं हूँ, प्रेम का भी और प्रेमियों का भी। मेरा कहना यह है कि एक सामान्य सी स्थिति है। मुझे इस बात पर एक बात याद आ रही है, 40 अप्रैल की जो आत्मकथा, उसको उसने जॉब पर करते उसने उसने ये कहा है, उससे उस आत्मकथा के बारे में किसी ने उससे कहा कि तुम्हारे इसमें प्रेम प्रसंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। तो चैप्लिन का जवाब ये था कि वो क्या होते, सब एक सीट होते, क्या प्रवृत्ति करेंगे, सामान्य बात है। तो प्रेम प्रसंग का महत्व नहीं है जिंदगी में, तो सामान्य हो सकता है, लेकिन असली महत्व यह है कि वो संबंध ये किस तरह से आपको बता रहे हैं कि जो समाज है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहाँ वो आपके किस तरह से नियति या स्थिति को निर्धारित करते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, किस तरह के आप संबंध हो सकते हैं। तो हमारे समाज में हम सब लोग जानते हैं, आपकी जाति है, आपका धर्म है, आपके आपके आर्थिक स्थिति है, ये सारी बातें अंततः निर्धारित करती हैं कि आप किससे शादी करेंगे, किससे शादी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की बातें होती है। मेरा जो स्टैंड उस मामले में था कि हिंदी समाज का जो पाखंड था वो अपनी चरम पर था, वो पाखंड जब इन्होंने लिखा, जो इन्होंने लिखा, मैं इन्होंने लिखा वो इनका रिकॉर्ड, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कभी अपने प्रेम प्रसंगों का जिक्र नहीं करूँगा, ना करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जरूरी है, वो सामान्य से बात है, एक उम्र में इस तरह की बातें होना लाजमी है, और उम्र अगर उनका कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है समाज के लिए तो सामान्य बात है। तो मैं मेरा जो मैंने जो स्टैंड लिया उसमें उन्होंने लंबा मेरा जिक्र है, जो मैंने स्टैंड लिया उसका कारण ये था कि मैं इस बात से असहमत था लोगों की समाज की कि हर आदमी पत्थर मार रहा था, ऐसा कोई नहीं था कि दूसरों को कह रहा कि भाई तुम भी तो सोचो तुमने क्या किया। हर एक से दुरंधर लोग थे जिनके बारे में हम लोग जानते थे उनका व्यक्तिगत आचरण क्या है, उन्होंने क्या किया, कुछ लोग उनमें से अध्यापक थे, प्रोफेसर वगैरह थे, उनके संबंध में थे इधर उधर अपने छात्राओं के साथ या इधर उनके साथ जो थे, इसके बावजूद वो सदा सबके सब धड़ाधड़ लेके चले जा रहे थे। जिस पर हमने मेरा स्टैंड जो है जो मैंने लिया वो मूल तो इसी बात के लिए था, मैं उस पाखंड के खिलाफ था जो सारे के सारे लोग एक 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 आदमी का मूल्यांकन इस बात से कर रहे थे कि उसके प्रेम प्रसंग क्या थे या उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या थी, ये लोग मेरे ख्याल से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी, इसलिए मैं इसका विरोध था और मैं नहीं था विरोध। मुकुल जब आप काम से घर लौटते हैं तो माँ पूछती क्या खाया, बाप पूछता क्या कमाया, बी पूछती क्या बचाया। तो मैंने उससे पूछा और बेटे, तो उन्होंने चुप कर दिया, कैमरा लगा चुप, क्योंकि चार बेटे हैं और हैं वो। तो खैर इंटरव्यू जब हो गया छोड़ने आए तब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कैमरा नहीं है, आप बता दिए बेटे लिखोगे नहीं कहाँ छुपाया। जोशी जी से सवाल पूछा कि आपको सब कुछ तो दिख दिया, क्या छुपाया या श्याम सिंह पवार, उन्होंने एक असाइनमेंट दिया
कि अच्छा आप सब लोग लिख करके लाएंगे, आप लोगों में कितनी कमियां हैं उनमें और कितनी अच्छाई है। इसमें अगले दिन मैंने जो ये लिखा तो उसमें 70-75 मैंने अपनी कमियां गिनाई आठवीं का स्टूडेंट। तो मुझे वो जो क्रिटिकल फैकल्टी जो मिली थी, जैसे मेरे पिता थे पूछा करते थे कि मैं कौन हूँ, क्या बोल रहा हूँ तुमसे, बोल ये सूरज क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सारी जो ट्रेनिंग के बचपन से मिलती है। तो यादव जी भूषण रुचि पर बौद्धिक रूप से हावी हो जाएंगे इसको असंभव उनको बोल सकता हूँ। तो जो मैंने किया अपने सहज भाव से, इसमें कोई चीज छुपा ऐसी नहीं छुपाई जिससे मतलब ये लगे कि ऐसा भी थोड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर तुलसी राम या उन्होंने अपनी मेरी पत्नी के बारे में नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कहें कि एक पैरा में टाइम हो तो नहीं है, दो पैरा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो बसवा एक छोटा सा गाँव है राजस्थान में, बहुत छोटा सा। तो बसवा से बॉस्टन की इतनी लंबी यात्रा में अनेक मोड़ आए, पतझड़ का सही यात्री बना और बसंत से आनंदित वह जाड़ा सावन भादो आते जाते रहे और इनके साथ समभाव समता मिलाता हुआ चलता आ रहा। सात समंदर और 70 पार बैठे इस इंसान को किशोर आयु का एक गाना याद आ रहा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिट को दुनिया में उड़ाता चला। साहिर का ये गीत है जिसका फिल्म हम दोनों में देवानंद पर फिल्मांकन किया गया। इस गाने और फिल्म से मुंबई की मेरी धूप छांव की कई यादें जुड़ी हुई हैं जिनकी चर्चा में आगे करूँ। बसंत से पतझड़ और फिर बसंत से बसंत या दूर से छांव या छांव से दूर की कितनी सपाट बयानी है। इस यदि इतना ही सब कुछ सहज सपाट और सीधा ही रहता तब तो उन्होंने हिंदी का कोई फसाना रहता और नहीं इसका कोई फलसफा होता। वैसे कहने वाले तो ये भी लिख गए हैं, सब कुछ नश्वर सब माया है, सबको फना होना है एक दिन, प्रलय आएगी कायामत घटेगी, जीवन किसी मूर्त द्वारा कही गई एक कहानी है जिसमें शोर शराबा है, सब है बेसबब। यानी कहता ना यह एक नजरिया है जीवन के प्रति, लेकिन इसके समांतर नजरिया यह भी है कि जीवन एक ठोस यथार्थ कर्म और अकर्म का ये खजाना है। जीवन एक सृष्टि है, ईश्वर या निरीश्वर का बोध जीवन से है। कार्य कारण परिग्रह अपरिग्रह जीवन से ही जन्मे हैं। जीवन है तो इतिहास है, सत्ताओं का उत्थान पतन है, जीवन एक बहता दरिया है, पहाड़ है, आकाश है, बरसता बादल है, जब तक कायनात है तब तक जीवन है। जीवन का ड्रामा शून्य में नहीं, इंसानों द्वारा निर्मित ठोस रंगमंच पर खेला जाता है। सर्दी गर्मी बरसात धूप छांव ये तमाम अवयव इसके दृष्टांतर में अंतर निहित होते हैं जो कि पात्रों और दर्शकों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। रंगमंच समेत उस सब का परस्पर उसका नाता रिश्ता रहता है। माया के नाम पर सांसारिक परिवेश से पलायन अपवाद तो हो सकता है, लेकिन ये जीवन का चलन नहीं बन सकता, इसलिए मैं सपाट बयानी को खारिज करता हूँ। आप इससे आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी की खुशी क्या लुटती रही है। मैं चाहूँगा कि सेशन को थोड़ा चलाया जाए, आप लोगों के कोई सवाल। हाँ एक ही और अपनी थोड़ी प्रेडिक्शन के बारे में था, मैंने उसमें एक जगह लिखा है और बड़ी गंभीरता के साथ लिखा है कि मैंने इस चीज के मनोविज्ञान मैंने नहीं पढ़ा, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम क्या होता है, इसके दर्शन ये मैंने साफ साफ अपने क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें इतनी हावी रही, रिवोल्यूशन कैसे आता है,
छापा मार पढ़ाई कैसे थी, मेरे दिमाग में वो सारी बातें रही। तो प्रेम की फिलोसफी को समझने पढ़ने स्थिति क्या होती, वो ब्रिटिश ने लिखा है कि ये मेरी कमी रही और इस समय तक और इसमें मुझे कोई तकलीफ तो वो नहीं कर। अब वो हाँ जी वैसे इस पर मेरा कहना यह है कि स्त्री पुरुष संबंध भी है पॉलिटिक्स ही है। लेकिन एक गंभीर था संजीव जी की धराता पर जब आप सोचे कि स्त्री पुरुष के वो संबंध भी समाज से निर्धारित होते हैं, इसीलिए जिंदगी में आपने क्या सोचा सब लिख दिया मगर मुमकिन ही नहीं, तो हमारा दिमाग 24 घंटे कुछ होता है और उसके लिए जो अल्फाज और जो जबान है वो तो छोटी चीज वो होती ही नहीं, ढूंढना पड़ता है और उसकी तहजीब उन्होंने दी घोड़ा और सवाल क्योंकि घोड़ा जो है जबान है अल्फाज है और ख्याला जो है उसमें सवारी है, दोनों जब मिलते हैं तब वो क्रिएटिव सफर शुरू होता है। तो हमेशा उसमें ख्याल पीछे छूट जाता है और जबान आगे जाता है। जोशी से पूछा हूँ आपके सवाल कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ बात कहने में आपको प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, या जिस बात और अच्छी तरह से कही जा सकती थी? नहीं, कमी तो है, मैंने जब दोबारा पढ़ा हूँ मेरी कमी तो महसूस होती है कि अभी शर्माई रहती है सुधार की। कोई भी व्यक्ति जैसे मुझे याद है अगर मान लीजिए मुझे फिर से लिखना पड़े जाहिर है कि मैं इसमें मैंने लिखा है कि उसी कौमा पुष्पा के साथ मैं वैसा नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता मैं क्या। तो इसमें तो जब अगर मैं इससे रियायत करूँ तो नहीं देखी कल्याण तो नहीं और सुधार की रियायत रहती है और आखिर तक रहती है, कोई चीज़ अंतिम मुकम्मल नहीं होती, होती होगी कुछ लोगों की जो कि मुकम्मल होती, लेकिन मैं अपने आप को मुकम्मल नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया, ऐसे ही सवालों का मन सीधे होना। देखिए एक तो मैं अपने आप को रिटायर्ड ही मानता पॉलिटिक्स जी 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 मैं आज भी मैं पॉलिटिकली आज भी अपने को रिटायर्ड नहीं मानता, मैं पॉलिटिकली सोचता हूँ, क्रिटिकली सोचता हूँ ये सिस्टम ये इसकी कैसी चलनी चाहिए। तब आज में फर्क तो बहुत आया है, हालांकि इसकी इंडियन स्टेट के जो करेक्टर है उसमें और आदमी एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि उस समय ये दिखाने के लिए कहते थे कि एक हमारा वेलफेयर पॉलिटिक्स है, वेलफेयर स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। आज ये नकाब इस पिछले 10 साल के अंदर उतर गया, अब इस समय कोई ये नहीं कहता कि ये वेलफेयर स्टेट है। ये अब तो मुझे याद है कि जब 91 में रोड लाइसेंस की शुरुआत हुई थी जुलाई में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया था, अमर सिंह मतलब तो उसमें एक जुमला होता था कि अब स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा फैसिलिटेटर, यानी कि हम आपको अखाड़ा दे रहे हैं एक तरफ कौन खड़ा हो जाए जब रजिस्ट होता है वो हो जाए और मैं हो जाऊँ तो वो लेकिन वसे में क्या करेगा, अब सरकार के हमने तो आपको कर दिया तो अगर मान लो सरकार एक जगह अफगानी खड़ा कर दे और दूसरा बेचारा वो गाँव का किसी किसान को खड़ा कर दे इसलिए हमने जो मंच दे दिया हमने दिया। ये फर्क है कि अब स्टेट ने लोगों जो कि मार्जिनलाइज हैं इग्नोर्ड हैं
उनको उनके हृदयों पर ये मैंने नोट किया है पिछले 40 साल 50। दूसरा कि मैंने बताया कि एक मध्यवर्ग की जो डेस्टिनी होती है या मध्यवर्ग, देखिए मध्यवर्ग मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, मध्यवर्ग जिसमें हम लोग अधिकतर लोग हैं, हम प्लस और माइनस के बीच में पेंडुलम की तरह रहते हैं और जिधर जो कुछ प्लस होता है वो तो तुरंत भाग जाते हैं। यही हालत इसलिए सिस्टम जो आज सर्वाइव कर रहा है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है, वो उसकी वजह यही है कि मध्यवर्ग कई तरीके के अपने को बचाने के लिए कई तरह के उपक्रम कई तरह के हथियार भी अपनाता है। इस चीज़ों को पॉलिटिक्स आज पॉलिटिकल इकोनॉमी जो सबने की है वो सिर्फ एंटी मार्जिनलाइज कंपनी प्रो, मैं तो अब ये मानने लगा हूँ आगे समय से कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर सीधे सीधे अब स्टेट को अपने हाथ में भी, हालांकि वो पढ़ने के पीछे से कर ही रहे हैं लेकिन वो नकाब उतार करके अब चाहते हैं। और पहले चली भी थी कि ट्रेडिशनल स्टेट शैल बी रिप्लेस बाय द कॉर्पोरेट स्टेट, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के जमाने में और अभी तक चल रहा है कि कहीं ऐसा ना आ जाए कि जिस दिन ये कॉर्पोरेट चाहे वो अंबानी हो अडानी हो या ऐसे लोग हों कोई कहें कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं और हम ही राष्ट्रपति बनते हैं, अब हम कर लें और हो सकता है ये किसी दिन कर। तो मुझे ये एक सबसे बड़ा फर्क लगता है। तो मैं आज भी क्रिटिकली सोचता हूँ और हम निश्चित रूप से उनके कहने में कोई बोले नहीं है कि हम लोग उनके साथ ही हैं क्योंकि इस सिस्टम को नापसंद करते हैं, बदलना कंपनी तो नहीं आएगी लेकिन ये है छर्म ढंग से जिसको बोलते हैं हम लोग इनविजिबल इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन, उसका दौर इस समय चल रहा है जो कि आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसी आ रहा है, इस नकाब को उतार के रखना ये जरूरी।